और क्या है उसमें खास बात? भगवान के जो वस्त्र हैं जिनका इसका नाम मैंने शुभस्त्रम दिया हुआ है, ये वस्त्र जो है ये पीताम्बर पीले रंग का वस्त्र है, जो कि पीताम्बरी वो कपड़ा है जो हमने काशी से इसको स्पेशली तैयार कराया था। और ये वस्त्र जो है इसमें असली स्वर्ण और असली चांदी के तार हैं, और जिन पे कढ़ाइयाँ भी हुई हैं वो भी असली स्वर्ण और चांदी के तारों से ही हुई हैं। और मुख्यतः इसमें जो भी मोटिफ, जो भी इस पे जो कलाकृतियाँ आपको नज़र आ रही हैं, वो पद्म चक्र और मयूर के ही हैं इसमें, और उन्हीं को हमने स्वर्ण और चांदी से इसको तैयार किया है। कितने दिन में तैयार हुए हैं आप? यहाँ तो हमारी टीम खुद दिल्ली से यहाँ पे आके रुकी हुई थी अयोध्या में, और हमने यहीं पे रहकर सारा काम तैयार किया दिन रात लगाकर। लगभग 12 से 15 लोगों की टीम हमारी ऑन एंड ऑफ यहाँ पे लगी हुई थी, और हम लोगों ने सब कुछ यहीं बैठ के बनाया और किया। तो समय का तो अंदाज़ा नहीं लगा, बिकॉज़ हम लोग दिन रात यहाँ पे इसके लिए काम किया हम लोगों ने, और बस हो गया। अच्छा, विशेष तौर पे क्या बनाने में जब क्या समस्याएं आई है, इसको तैयार करने में कितनी समय लगी? समस्या तो नहीं कहूँगा, क्योंकि लेकिन ये ज़रूर था कि कठिनाइयाँ थीं, क्योंकि आप एक सामान्य रूप पे एक सामान्य व्यक्ति के लिए डिज़ाइन करना और एक आइडल के लिए डिज़ाइन करना, वो भी जो प्रभु श्री राम है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था। पहला बिंदु ये है कि भगवान की जो प्रतिमा थी, जो प्रतिमा है, उसके उसके मानक हमारे पास में नहीं थे पहले से, वो बाद में हमें जब जब मूर्ति फाइनल हुई है उसके बाद हमें वो मिले, तो उसके पैटर्न तैयार करना और एक लिमिटेड समय में उसको तैयार करना, वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। दूसरा, नॉर्मल सामान्य रूप पे एक व्यक्ति बता पाता है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या कैसे पहनना है, क्या फिटिंग है, लेकिन यहाँ पे प्रतिमा को पे क्या क्या अच्छा लगेगा, क्या शोभा देगा, क्या दिखेगा अच्छा, वो एक चयन करना एक मुश्किल काम था। लेकिन ये विषय सिर्फ पोशाक बनाने का नहीं था, ये विषय कपड़े का और डिज़ाइन का नहीं था, ये विषय करोड़ों लोगों की आस्था का था, जो पिछले 500 सालों से अपने प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे थे। और जितनी खूबसूरत ये प्रतिमा बनी थी, उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ, उसको उसके साथ देता हुआ एक पोशाक चाहिए था। तो ये सवाल भी हम रोज़ अपनी प्रार्थना में भगवान से करते थे कि भगवान हमें हमारा मार्गदर्शन करें और एक अच्छा पोशाक बनाने में हमारी मदद करें, तो तभी संभव हो पाया। कितना सौभाग्यशाली मानते हैं आप पहली रामलला की प्रतिमा जो 500 वर्ष बाद में आज भगवान अपने दरगाह में विराजमान हैं, उनकी प्रतिमा आपने बनाई? मैं बिल्कुल अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, अपने अपने परिवार का, अपने माता पिता का, अपनी पत्नी का सहयोग जो मुझे मिला उसके लिए बहुत बहुत आभार, और जो विश्वास मुझ पर माने चंपा जी ने दिखाया कि मैं ये कार्य कर पाऊंगा, उसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। और क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जहाँ पे 500 साल से लोगों ने अपने मन में अपने हृदय में एक परिकल्पना कर रखी थी, एक इमेजिनेशन बना रखी थी कि भगवान का रूप ये होगा, भगवान ऐसे दिखेंगे, तो वो एक उसको सामने लाना पोशाक के माध्यम से, वो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम था कि किसी को निराशा ना हो और जो सब लोग देखें वो मनमुग्ध हो जाएं, उनको अच्छा लगे, सुंदर लगे, वो उसका वर्णन करें जैसा वर्णन हम भगवान श्री राम की कथाओं में सुनते हैं। आगे भी आप अपनी सेवा देते रहेंगे भगवान को? जैसा मुझे आदेश आगे मिलेगा मैं करूँगा, और आपसे बात करने का जो मेरा उद्देश्य यही था, क्योंकि मुझे लगा कि जिस तरह की लोगों के पास शायद सही खबर नहीं है और वो लोग कुछ भी बनाकर अपना न्यूज़ चला रहे थे, तो मुझे लगा कि आपके माध्यम से कम मैं इस बात की पुष्टि कर दूं और कम से कम इस बात बारे में बता पाऊं कि कम से कम जो जनता जनार्दन है, जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, जिनकी आस्था जुड़ी हुई है, एटलीस्ट उनको पता रहे कि वो उनके भगवान पे क्या चीज़ सुसज्जित है, क्या चीज़ उनके भगवान ने उनकी उड़ी हुई है।